जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम अक्षय मौर्या। सो आई वेलकम यू ऑल और इंदौर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि हम शायद कुछ और अच्छा करना चाहें, जो कि हमारी फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसके अलावा भी आज हम एक छोटा सा मैराथन डालेंगे आपको एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें आपको कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री जो रहेगी उसके शॉर्ट फैक्ट्स कराए जाएंगे। देखो, कॉन्सेप्ट समझने बिल्ड करने के लिए आप हमारी नॉर्मल सीरीज़ फॉलो करें और कमेंट करें तो वो भी बनाना चालू कर दिया जाएगा इंदौर डिफेंस एकेडमी की तरफ से। और सारे सब्जेक्टों में जहाँ जिस पार्ट में आपको दिक्कत आ रही वो बताए। तो अभी तो हमें सिर्फ फैक्ट और फैक्ट रिवाइज करने, तो हम वो चीज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सीरीज, ये जो वीडियोस रहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, दो वीडियोस रहेंगे और मेडिवल का एक वीडियो रहेगा, जिसमें वन शॉट सारी चीज़ें अपन फैक्ट क्लियर रिवाइज करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। जैसे कि आप इंदौर डिफेंस एकेडमी में जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है वो देना चालू कर दें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो, है ना। चलो, तो आज का पहला हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक पीरियड। ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है, जिससे हमें समझना पड़ेगा प्री हिस्ट्री क्या है। ये 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी के बीच की घटना है। इसमें क्या हुआ था कि देखो, सबसे पहले फाइंड की गई फायर, ये इंपॉर्टेंट वो है चीज़ें। टूल्स का है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टूल्स। अब जैसे कि पैलियोलिथिक चाल को, ये सारी जो एज है हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि देखो पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, ये तीन जो एज है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। चलो, तो मैं आपको एक शॉर्ट में छोटा सा एक वीडियो में समझा दूंगा कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनर बोर्ड में मैं समझा देता हूँ। जैसे अपन लिख लो क्या, पहले पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। आपको देखो ईजीली समझना है इस चीज़ को। पैलियोलिथिक इज अ स्टार्टिंग, इसको हमने तीन चीज में डिवाइड किया है, अपर, मिडिल, लोअर, है ना, अपर, मिडिल, लोअर, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है। यहां पे जो मीजोलिथिक है ना, ये जो मीजोलिथिक एज है ना, ये ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज कहां से, यहां क्या है, बहुत तेज विंटर है, क्या है, विंटर है, और यहां क्या है, वार्म वेदर है। एक बेसिक चीज डिफरेंस आप ध्यान रखना, यहाँ इंसान तराइन वाले क्षेत्र में रह रहा है, अब यहाँ जब नियोलिथिक में आएगा तो प्लेन्स में रहेगा, मीजोलिथिक में वो थोड़ा बहुत क्या सीखेगा, एग्रीकल्चर करना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट, ये चीज छोटे से मैं क्लियर कर दी। अब यहाँ क्या, टूल्स मेड अप काय के बने हैं, टूल्स लाइम स्टोन्स के, ध्यान रखना, पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच एग्स बने हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग्स भी पाया गया, इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट। साइट्स ध्यान रखना, भीमबेटका का एमपी, हंसगी, करनूल केव्स, नर्मदा वैली, ठीक है, और कालाधागी बेसन, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आ जाओ मीजोलिथिक। मीजोलिथिक क्या है, मीजोलिथिक इज अ ट्रांजिशन पीरियड। ये जो ट्रांजिशन है वार्म वेदर टू कोल्ड वेदर टू वार्म वेदर की ओर, और एग्रीकल्चर करना भी यहाँ आदमी सीखेगा, ठीक है, यहाँ आदमी थोड़ा सभ्य तरीके से रहना सीखेगा। तो मीजोलिथिक में मेजर क्या है, देखो मेजर क्लाइमेट चेंज हैपन, ये आ गया फैक्ट जो कि हमने डिस्कस करा था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, अब पहले वो क्या करता था, जानवर अपने खाने के लिए पैलियोलिथिक एज में पकड़ता था। अब चलो थोड़ा सा एक फैक्ट और है यहाँ कि, जैसे कि मैं इनर बोर्ड पर समझा दूंगा, जैसे कि अपर, मिडिल, अपर, मिडिल, लोअर। तो देखो यहाँ जो रहेगा लोअर में रहेगा बिग स्टोन्स, टूल्स में, ठीक है, यहाँ उससे और अच्छे टूल्स हो जाएंगे, यहाँ और अच्छे टूल्स हो जाएंगे। वो दो टूल्स कौन कौन से हैं अपर और मिडिल में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना, कुछ तो आपके लिए भी रिविजन के लिए छोड़ा जाए, ठीक है। अब आ जाओ मीजोलिथिक में, तो माइक्रोलिथ्स, देखो एम से, ये टूल्स का क्लासिफिकेशन है, याद रखना टूल्स मत भूलना, किस एज में कौन से टूल्स है, क्योंकि ये इसके हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये सिर्फ आर्कोलॉजिकल सर्वे की फाइंडिंग पे। अब जो सबसे ऊपर मिलेगी चीजें वो हो जाएगी नियोलिथिक, उसके नीचे मीजोलिथिक, उसके नीचे पैलियोलिथिक, फिर उसमें भी तीन डिवीजन होगी, जो सबसे ऊपर है वो अपर, मिडिल, लोअर, ऐसा डिवीजन किया गया है, ठीक है। माइक्रोलिथ्स ये टूल्स है, माइक्रोलिथ्स आर टूल्स, पता होना चाहिए, फाउंडेड एट ब्रह्मगिरी, मैसूर, नर्मदा, विंध्या, गुजरात, यहाँ यहाँ ये टूल्स अवेले हैं,
ठीक है। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्जाम्पल कैटर रेलिंग स्टार्टेड। अब जैसे जी पहले जब वो पैलियोलिथिक में था, जानवर मार के खा जाता था, कोई डोमेस्टिकेशन नहीं करता। अब धीरे धीरे वो डोमेस्टिकेशन सीख रहा है कि जैसे उसकी भेड़ है, बकरी है, उनको पालना पोसना कि लंबे समय तक यूज कर सके, खिला रहा है, पिला रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो चीज़ें सीख रहा है, डोमेस्टिकेशन। अभी क्या नहीं सीखा? ब्रीडिंग नहीं सीखा है वो, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत खाना खाना मतलब जंगल में जाके फल खाना, ये सारी चीज़ें चालू कर रहा है। इस समय क्या होगा, कईयों ने जहर भी खाया होगा तो उसे एक्सपीरियंस होगा ये नहीं खाना है, ये जहरीला है ना। तो उस समय के जो लोग थे वो महान वैज्ञानिक रहे। आपके लिए फोटो आपको लगानी चाहिए। नियोलिथिक पीरियड 8000 BC से 4000 BC में एग्रीकल्चर स्टार्टेड। देखिए एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, व्हील डिस्कवर्ड, व्हील हो गए हैं, ठीक है। अर्लियर विलेज सेटलमेंट है ना, अर्ली विलेज सेटलमेंट हो गया। देखो विलेज सेटलमेंट कैसे पैलियोलिथिक में तो वो तराइन वाले क्षेत्र में रह रहा है यहाँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मीजोलिथिक में वो धीरे धीरे इधर जाता है और वापस आ जाता है, पर अब क्या है, अब सेटल्ड विलेज में लगा है, प्लेन में। ये चीज़ याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट साइट कहाँ कहाँ है? कश्मीर में है, फिर गुफार कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, चंदे बिहार, ये सारी है, त्रिपुरा, आसाम, यूपी। यूपी में कितनी साइट्स हैं? मस्की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेघालिथिक साइट्स, ब्रह्मगिरी, अधिचरलुल, तो ये ध्यान रखना, ये सारी साइट्स भूलना मत। अब आ जाओ चैल्कोलिथिक पीरियड में, वहाँ तो स्टोन एज चल रही है ना। अब देखो यहाँ स्टोन कौन से हैं, यहाँ स्टोन को टूल्स कौन से रहेंगे? पॉलिश्ड, पॉलिश्ड टूल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? पॉलिश्ड टूल्स रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज को, भूलना मत, पॉलिश्ड टूल रहेंगे। अब आ जाओ चैल्कोलिथिक पीरियड 4000 BC से 1500 BC, ये कौन सा पीरियड है? कॉपर का है, कॉपर टूल्स यूज हो गए, कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। कैन बी कंसीडर इन अ पार्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्रॉन्ज इज इक्वल टू कॉपर प्लस टिन, ब्रॉन्ज बनता कैसे? कॉपर और टिन मिलाने से। तो चैल्कोलिथिक पीरियड का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। इस ब्रॉन्ज एज में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फैली है। देखो आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन 2700 से 1900 BC के आसपास की बात है। ऑल्सो कल्चर ऑफ ब्रह्मगिरी नबीदा टूल, ये साइट्स है कहाँ की? चैल्कोलिथिक की। अब आ जाओ इंडस वैली पे, इंडस वैली के कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट फटाफट रिवाइज कर ले जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। फटाफट आज हम इंडस वैली कंप्लीट, आज हम कोशिश करेंगे कि हम महाजनपद तक कंप्लीट करें। इंडस वैली, इंडस वैली का समझने के पहले ये जान लो कि ये ब्रॉन्ज एज का पार्ट है, ब्रॉन्ज एज से कनेक्टेड रहेगी, तो इसका पहले हम एक्सटेंट बना ले रहे हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? जैसे कि हम ऐसा बनाएंगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाई जाएगी, इस वाले पार्ट में। क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके नॉर्मल लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले। तो इसका एक्सटेंट कहाँ है? तो ये हम मांडू में है, चेनाब रिवर के पास, जम्मू कश्मीर, ठीक है। यहाँ आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, भूलना मत, मेरठ, यूपी, आलमगीरपुर। अब यहाँ कहाँ तक है? दास्ता रिवर है, दास्ता रिवर तक, बलूचिस्तान मतलब आज के पाकिस्तान तक, पहले ये इंडिया का हिस्सा था, अखंड भारत था, तो हमेशा अखंड भारत ही बनाएंगे। और यहाँ कहाँ तक है? दैमाबाद गोदावरी रिवर तक है, और एक्सटेंड गोदावरी रिवर, और कहाँ? महाराष्ट्र। ये चीज़ याद रखना, आलमगीरपुर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई रिवर मौजूद नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, चलो अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फटाफट रिवीजन करना है। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कब हुई थी? पहली बार इसकी सील मिली थी 1853 में, 1853 में इसकी सील मिली थी। किसको मिली थी? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को मिली थी। इस सील में था क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सील में था क्या? जो हरप्पा साइट का विलेज है वहाँ उनको सील मिली थी पहली बार, पाकिस्तान वाले कस्बे में पड़ता है आज की डेट वो। तो ये सील में क्या था? एक तो वन बुल था और 6 रिटन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि आज तक नहीं पढ़े जा सके, है ना। 6 रिटन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये चीज़ ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। 1921 में और रिसर्च आगे बढ़ी आर्कोलॉजिकल सर्वे फाइंडिंग में, तो डी.आर. सहानी और आर.डी. बनर्जी साहब ने क्या किया? डी.आर. सहानी और आर.डी. बनर्जी साहब ने क्या किया अपना? सबसे पहले आर.डी. बनर्जी साहब ने मोहनजोदारो
को एक्सकेवेट किया, मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया, याद रखना खुदाई वहां करी और चीजें रिसर्च करी, ठीक है। 1931 में जॉन मार्शल, 1931 में कौन है, जॉन मार्शल साहब ने एक्सीवेट किया। क्या एक्सीवेट किया, कहाँ खुदाई की, मोहनजोदारो में। ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखने, बेसिकली इस फैक्ट्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको मिस कर गए तो सारी चीजें मिस कर गए। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते, मोहनजोदारो। अब हरप्पन एज को समझने के लिए हमने इसको चार फेस में बांट रखा है ना। चार फेस कौन सा है, एक तो हो गया प्री हरप्पन स्टेज, ठीक है, ये चीज याद रखो। दूसरा हो गया अर्ली हरप्पन स्टेज, तीसरा हो गया मिच्योर हरप्पन स्टेज, और लास्ट हो गया कौन सा, लेटर हरप्पन स्टेज। इस एज में क्या है, इस एज में प्री हरप्पन स्टेज में इंसान जो है ना धीरे धीरे विलेज सेटलमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, विलेज सेटलमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब वहां वो, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ना चाहोगे तो एक ग्लिम्स देता हूँ मैं छोटी सी, कि जो पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और न्योलिथिक का जो पीरियड था उसमें तराइन वाले क्षेत्र से ये प्लेन की ओर आ रहा था, तो ये सेटलमेंट यहाँ देखने को मिल गया। इसके बाद क्या है, लार्ज प्लेन्स इन द विलेज, भाई बड़े बड़े प्लेन्स में विलेज बना के रहने लगे, ये एक सेटलमेंट हो गया, ठीक है। और मेच्योर हरप्पन साइट क्या है, अर्बनाइजेशन है। कौन सा अर्बनाइजेशन है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्या है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ध्यान रखना इंडस वैली में हुआ है फर्स्ट अर्बनाइजेशन। और लेटर हरप्पन साइट में या तो आप डिक्लाइन लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हो, बैक टू विलेज लाइफ स्टाइल, क्योंकि जब हम ऋग्वेद चालू करेंगे तो वापस में भारत के जो लोग हैं वो विलेज सेटलमेंट में चले जाएंगे, विलेज बैक टू विलेज सेटलमेंट, है ना, ये चीज याद रखना जब भी क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन आएगी कहाँ से, इनकी साइट से आएगी, ये साइट्स पढ़नी पड़ेगी, कहाँ क्या मिला, क्या एक्सकेवेट किया, किसको क्या मिला, ठीक है। यहाँ मत छोड़ना ये चीजें। अब आ जाओ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पे, जो है टाउन प्लानिंग। क्या है, टाउन प्लानिंग। अब टाउन प्लानिंग कैसी थी इनकी, सबसे बेस्ट हुआ करती थी, सबसे पहली चीज सिटाडल था, सिटाडल था, वो किस लिए था सिटाडल, एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए, ऐसा माना जाता है। अब कहाँ हुआ करता था, जैसे अगर इनकी ये साइट है तो जो बीच में ऐसा उठा हुआ पार्ट होता था, सबसे ऊंचा पार्ट, उसे कहा करते थे सेटल, और इधर जो थे घर बना रहते थे इसके आसपास, ठीक है, ये इस टाइप का हुआ करता था सिटाडल, ठीक है। चलो अब आगे चलते, और क्या था इनकी स्पेशल टाउन प्लानिंग में, बर्नट ब्रिक्स थे, मतलब ये आगे का यूज जानते थे, और लकड़ियों भी पर्याप्त मात्रा में काटते हुए, क्योंकि पक्की ईंटें दिखी, और लेटर वैदिक में हम ऋग्वेद में पक्की ईंटें नहीं मिलेगी, ठीक है। स्टोन बिल्डिंग एबसेंट थी, क्या थी, स्टोन बिल्डिंग एबसेंट थी, ध्यान रखना इसे मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या एबसेंट थे, टेम्पल्स नहीं थे इनके पास, टेम्पल एबसेंट थे, टेम्पल एबसेंट थे, इस चीज को भी ध्यान रखना, इसको मत भूलना, यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है। और क्या था, इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत प्यारा था, आज आज का जैसा ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे आज है ना हमारे ड्रेनेज सिस्टम, ये कवर कैसे होता था, कवर या तो ब्रिक्स से या स्टोन स्लैब से, स्टोन स्लैब से, ठीक है। और क्या था, अब देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है, ठीक है। हर घर में वॉशरूम हुआ करते थे, ये मत भूलना, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता था। और साथ साथ ग्रेनरीज भी थी, ग्रेनरीज क्या है, अनाज स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ऐसे, जैसे आज की स्विमिंग पूल टाइप नहीं होते, ऐसी प्लेसेस थी क्या, ग्रेनरीज के लिए। ये हो गई टाउन प्लानिंग। अब टाउन प्लानिंग के आगे चलते हैं हम, जो कि आएगा पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कैसी पॉलिटी थी, सिंगल, सॉरी, सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता मोनार्क्स था, इलेक्शन हुआ करते थे, क्या होते थे, हमें ये पता है जो भी चीज़ थी सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी में थी, क्योंकि हमने पूरे जो हरप्पन सिविलाइजेशन के पूरी साइट से वहाँ एक चीज़ जरूर नोटिस करी है, कि वहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, जैसे ईट वेट एंड मेजर और टाउन प्लानिंग, सारी चीज़ें सेम है, इस वजह से हम कहते हैं सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी, इसके कोई हमारे पास पुख्ता एविडेंस नहीं है,
ठीक है, अब आ जाओ काय पे, इकोनॉमी पे। इकोनॉमी कैसी थी भाई इनकी? इकोनॉमी बहुत ही अच्छी थी क्योंकि ये ट्रेड किया करते थे। ठीक है, ट्रेड का देखो पहली चीज तो टैक्स कलेक्शन हो रहा था। टैक्स कलेक्शन किस फॉर्म में हो रहा था? ग्रेन्स के फॉर्म में हो रहा था, इसलिए ग्रेनरीज बनी थी, पहली चीज। ठीक है, दूसरी ट्रेड हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? ट्रेड में किस थ्रू से ट्रेड किया जा रहा है? ग्रेन, देखो ट्रेड किया जा रहा है तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम था मतलब सामान के बदले सामान दे देना। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज याद रखना, इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी इनकी? इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, और इनने फर्स्ट टू ग्रो क्या है? कॉटन है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन ग्रो किया, साथ साथ ये बार्ले भी उगा रहे थे, व्हीट भी उगा रहे थे, ठीक है, ऑयल सीड्स भी उगा रहे थे। ये एक चीजें हो गई, और साथ एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्रीज पे भी डिपेंडेंट है, देखो एग्रीकल्चर हो रहा है तो इंडस्ट्रीज भी होगी। इंडस्ट्रीज क्या की थी? वुड क्राफ्ट की थी, वुड और क्राफ्ट एक चीज। वीविंग भी हो रही थी क्योंकि कॉटन है, और स्पिनिंग भी हो रही थी। ठीक है, वीविंग और स्पिनिंग इंडस्ट्रीज भी रही होगी। ठीक है, अब एक चीज़ है, यहाँ जो भी काम किया जा रहा है, जो भी एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, इसमें कोई और दूसरा पर्सन नहीं है, ध्यान रखना, मतलब हर कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब भाई बाटर सिस्टम आ गया, ट्रेड हो रहा है। ट्रेड किसके साथ किया जा रहा है? मेसोपोटामिया के साथ। इसके हमारे पास एविडेंस है, इसलिए हम मेसोपोटामिया कहते हैं, क्योंकि हमें कंटेम्पररी चीज़ों में नहीं पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब एक चीज़ बची है, एक सील यूज होती थी, सील। ठीक है, ध्यान रखना, सील सील काय की बनती थी? स्टेटाइट की बनती थी। अब हमें टेरिकॉटा भी मिले, तो टेरिकॉटा क्या होते हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए सीडीएस में। तो क्ले के टॉयज होते हैं, पक्की मिट्टी क्ले के बने हुए टॉयज होते हैं, याद रखना, टेरिकॉटा खिलौने। ठीक है, अब किस टाइप की पॉटरी थी उनकी? टाइप ऑफ पॉटरी क्या है? टाइप ऑफ पॉटरी क्या है? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें। ब्लैक एंड रेड वेयर है, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो रेड कहाँ यूज हो रहा है? बैकग्राउंड में यूज हो रहा है, ध्यान रखना। इससे ज्यादा डीप शायद ही कोई दे आपको। बहुत से चीज एनडीए सीडीएस में मैराथन चल रहे होगे और चीजें दिखा रहे होगे, पर एक एक चीज को कोशिश कर रहे हैं डिस्क्राइब करने की कम टाइम में। ये इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही पॉसिबल है। ठीक है, डिजाइन ब्लैक यूज होती थी डिजाइन में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ चीजें मिली है, जैसे कि क्यूबिकल डाइस और चेस। कहाँ मिला है हमें? मिला है मोहन जोदारो में, ध्यान रखना, मोहन जोदारो में मिला है क्यूबिकल डाइस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। म्यूजिकल एक स्ट्रिंग मिली है, म्यूजिकल स्ट्रिंग मिली है। कहाँ मिली है? तो लोथल में मिली है, ध्यान रखिएगा, ये छोड़ना नहीं है कोई भी फैक्ट, सब याद करने हैं। डांसिंग गर्ल जो है वो कहाँ मिली है? मोहन जोदारो में मिली है। ठीक है, उसके अलावा स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में मिला है, इसको मत भूलना। ठीक है, अब सील काय की बनती थी ये भी लिख लो, सील वेयर मेड अप ऑफ स्टेटिटाइट, ध्यान रखना, स्टेटिटाइट की बनती थी सील, है ना, इसमें गलती मत करना। चलो एक सेकेंड, है ना, स्टेटिटाइट की बनती थी सील। अब आ जाओ आगे, तो ये हो गया, सील तक हो गए। तो इनकी आर्ट ऑफ राइटिंग किसने इन्वेंट करी थी? आर्ट ऑफ राइटिंग किसने इन्वेंट करी है? तो हरप्पा ने, हरप्पन पीपल्स ने ही करी है, इंडस वैली के लोगों ने। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ठीक है, ओल्डेस्ट है ये इंडिया की, ध्यान रखना। अब रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन कैसा था? रिलीजन में था नो टेम्पल्स, आपको पता ही है कोई टेम्पल्स नहीं थे, वो मैंने पहले ही लिखवा दिया है। ठीक है, और ये पूजा किसकी कर रहे थे? ये पूजा कर रहे थे नेचर की, जैसे कि अग्नि पृथ्वी, इन सब की पूजा कर रहे थे। साथ साथ हमें एक स्टैचू भी मिला है, ये बताना कहाँ मिला है? पशुपति नाथ, जिसे बोला गया पशुपति नाथ स्टैचू। इनके आसपास कुछ जानवर थे, बुल थे, डियर्स थे, टाइगर, ठीक है, और इनके पैरों में योगी पोस्चर में ये बैठे हैं। ठीक है, ये
स्टैचू मिला, इनकी पूजा, ऐसा माना जाता है। ये सब एक हम कल्पना करते हैं क्योंकि इसके हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके अलावा भी ये मेल डाइटी होगा, मेल को पूजने वाले, फीमेल में कौन पूजा जा रहा है, फीमेल में पूजी जा रही है फर्टिलिटी, जैसे हम बोलेंगे योनि, ठीक है, इसकी पूजन की जा रही है। अब आ जाओ काय पे, यहाँ तक क्लियर हो गए। पीपल के ट्री में इनका विश्वास है, ईवल में इनका विश्वास है, ये सारी चीजें हो गई है, ठीक है। अब बरियल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, काय की बरियल प्रैक्टिस। अब ये जलाते नहीं थे, इंसान को गाड़ते थे। इनिशियल स्टार्टिंग में घर के पास गाड़ते थे, धीरे धीरे ये ग्रेवयार्ड भी बनाने लगे, और आगे जाके हमें ग्रेवयार्ड में ही सोसाइटी का बंटवारा दिखता है, जो लोअर क्लास और अपर क्लास सोसाइटी का बंटवारा दिखता है। तो नॉर्थ और साउथ में गाड़ा करते थे, नॉर्थ में हेड होता था और साउथ में लेग होते थे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बरियल प्रैक्टिस पहले तो नॉर्मली गाड़ दिया करते थे, फिर आगे जाके हमें एक साइट है जहाँ हमें मिला आर सेमेट्री करके, जो साइट है R37 हरप्पा में सेमेट्री, वहाँ हमें क्या मिला है, वुडन कॉफिन मिला है। तो यही एक यही पहली साइट है जहाँ हमें क्या देखा, सोसाइटी का डिवीज़न अपर क्लास और लोअर क्लास में, ठीक है, ध्यान रखना इसको मत भूलना। यहाँ इंडस वैली खत्म है, डिक्लाइन आप सभी को पता है, बहुत से कारण है डिक्लाइन के, धीरे धीरे होते रहे। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज के, जो कि है ऋग्वेद, आयरन एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब क्या है ये ऋग्वेद, चलिए ऋग्वेद को समझते हैं, फटाफट समझेंगे सारी चीजों को, क्योंकि टाइम कम है और डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड, तो ऋग्वैदिक पीरियड कब का है, ऋग्वैदिक पीरियड, इसके दो पीरियड हैं, एक तो हो गया ऋग्वेद, सॉरी वैदिक पीरियड, है ना, एक तो गया ऋग्वेद। तो ये क्या कहाँ से कहाँ तक है, 1500 से 1000 BC के बीच की घटना है, और एक है लेटर वैदिक, ये है 1000 BC से 600 BC में। अब इसको हमने डिवाइड क्यों कर रखा है किसी चीज़ में, कुछ बड़ी घटना घटित हुई होगी, हाँ भाई बड़ी घटना घटित हुई है 1000 BC में। 1000 BC में क्या मिल गया है, आयरन की खोज हो गई है, कहाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब आ जाओ थोड़ी सी हम वैदिक चीज़ों की बात करते हैं, तो एक वैदिक चीज़ें जो है हमेशा ध्यान रखना, ऋग्वेद का जो अब हमें इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स याद रखने हैं, तो ऋग्वेदिक कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी ऋग्वेद की, अब हम ऋग्वेद पीरियड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऋग्वेदिक जो कि है 1500 से 1000 BC के बीच की घटना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैदिक लिटरेचर को, जिसमें एक चीज खत्म ही हो जाए हमारी, क्या है, वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में लेटर वैद ऋग्वेद में क्या बना है, स्टार्टिंग में अर्लियर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में डेवलप्ड हुआ है ऋग्वेद लिटरेचर, जो कि उस समय का संविधान है जिससे सोसाइटी चल रही है। अब देखो इसको संविधान लेके चलना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें एक वर्ड है वेदा हे, इसका क्या मतलब होता है, टू नो, ये कभी कभी पूछ लेते हैं NDA और CDS में भी, ठीक है। अब ये सिग्निफाई क्या करता है, क्या सिखाता है, सिग्निफाई क्या करता है, ये सिग्निफाई करता है विजडम, विजन और नॉलेज को, ठीक है, कि व्यक्ति के पास विजडम भी होना चाहिए, विजन भी होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए। आप आ जाओ वेद कितने प्रकार के हैं, वेद कितने प्रकार के, पहला तो ऋग्वेद, ठीक है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ये चार प्रकार के वेद है, चार प्रकार के वेद है। अब ऋग्वेद, ऋग्वेद की बात करें तो इसमें क्या है, 10 मंडल है और 1028 हिम्स है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, 10 मंडल, 1028 हिम्स है, ठीक है। ये हिम्स किसको डोनेटेड है, तो ये डोनेटेड इनके लिए है, इंद्र, अग्नि, मित्रा और वरुणा, इनके लिए है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब और आगे चलते हैं हम स्पीड में, पुरु सूक्ता, जो वर्ण सिस्टम है जिसे बोला जा रहा है पुरु सूक्ता, पुरु सूक्ता, ये किस मंडल में गिवेन है, हमारे ऋग्वेद के, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ये हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल और 92 वाले हिम्स में, किस में है, 10वें मंडल में है और 92 वाले हिम्स में है, ध्यान रखिएगा। पुरु सूक्ता में क्या गिवेन है, पुरु सूक्ता में ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जानकारी, कि ब्रह्म मुख से, क्षत्रिय शोल्डर और चेस्ट से, वैश्य थाई से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ये एक थ्योरी है, ठीक है, ये दी गई है। अब गायत्री मंत्र भी है,
गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का सबसे ताकतवर मंत्र माना जाता है और है भी, कि अगर इस गायत्री मंत्र की सही उपासना जो भी कर लेगा वो कुछ भी कर सकता है। आप पर डे करके देखिए, नहा धो के पूजन करके गायत्री मंत्र करिए, तो आपको पता चलेगा कितना तो आपके अंदर इम्पैक्ट आया। तो गायत्री मंत्र जो कि सावित्री के लिए भी बोला जाता है, याद रखना, कई बार पूछा गया, मैंने देखा है बच्चों को गलत करते हुए। सावित्री, ठीक है, सावित्री जी भी है, किस मंडल में गिवेन है ये? थर्ड मंडल में गिवेन है, ध्यान रखना, थर्ड मंडल में गिवेन है। और 62वां हिम्स है, कौन सा है? 62वां हिम्स है, इसमें गलती मत करना। ये सारी चीजें आप बिल्कुल बाय अच्छे से रट लेना। किसके द्वारा ये बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विश्वामित्र द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा। विश्वामित्र पहले ये ओरली था, बाद में ये डॉक्यूमेंटेड हुआ है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हमने ऋग्वेद को खत्म करा, अब हम आ जाते हैं सामवेद की ओर। सामवेद, सामवेद क्या? सामवेद, सामवेद में क्या? कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है, याद रखना, इसको मत भूलना, कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है। इसके साथ साथ इसमें और क्या गिवन है? और ये ही एक ऐसा वेद है जो कि ऋग्वेद में से बना है, मेड फ्रॉम ऋग्वेद, ऋग्वेद में से बना है, याद रखना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। मोस्टली थ्रू ऋग्वेद बना है, मेड थ्रू ऋग्वेद, है ना, इसको ध्यान रख लेना। अब आ जाओ यजुर्वेद पे। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है ये शॉर्ट शॉर्ट में समझ लो। अब कुछ रिचुअल्स है इसमें, रिचुअल्स बताता है कि किस टाइम पे करी जानी चाहिए, किस कौन सी रिचुअल्स को, रेसिटेशन कैसी बोली जाएगी, रिचुअल्स के मंत्र कैसे बोले जाएंगे, हाउ टू स्पेल या हाउ टू सिंग या हाउ टू से, वो क्या बताता है? ऋग्वेद बताता है कौन सा मंत्र किस तरीके की टोन में बोला जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें यजुर्वेद में रूल्स एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइसेस, रूल्स बता रखे हैं कि हवन यज्ञ या बलि, उस समय बलि भी होती थी, हवन यज्ञ या बलि में किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, ठीक है। अब यजुर्वेद के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एक तो शुक्ला यजुर्वेद और कृष्णल यजुर्वेद, ये दो पार्ट्स हैं, एक है शुक्ला यजुर्वेद और दूसरा है कृष्णल यजुर्वेद, ठीक है, ये चीज याद रखना, शुक्ला यजुर्वेद कृष्णल यजुर्वेद, है ना। कृष्णल यजुर्वेद में, वेद में ही एक वर्ड यूज हुआ है काल, जो कि डिनोट करता है आयरन को, इसलिए हमें पता चला कि ऋग वेद लेटर वैदिक में आयरन का यूज आया, क्योंकि ऋग वेद में नहीं है। और साउथ ईस्ट साउथ में से शुक्ला यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? कानवा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ गलती मत करना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम के पहले आपको रटे होने चाहिए। अब आ जाओ तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चौथे और आखिरी वेद की ओर, जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या गिवन है? इसमें गिवन है ब्लैक मैजिक, काला जादू, जिसे बोला गया है डार्क मैजिक भी, है ना, ब्लैक मैजिक। और ये किसकी ओर? लाइफ थ्रू लाइफ ऑफ नॉन आर्यंस के बारे में भी बताता है, ठीक है, कि उनकी कैसी लाइफ होती थी आर्यंस और नॉन आर्यंस के बारे में, ठीक है। और कुछ चाम्स बताता है, मतलब आशीर्वाद या स्पेल्ड वर्ड्स के बारे में, डिसीजेस के लिए, किसके लिए? डिसीजेस के लिए और ईवल के लिए, ये बताता है अथर्ववेद, है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इन वेदों के बाद कुछ ब्रह्मनास भी है हमारे, दो इंपॉर्टेंट ब्रह्मनास है जो आप सभी को याद रखने हैं, और चाहो तो और भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम दो ही ब्रह्मनास करेंगे, एक अतरीय एक कौस्तिकी, एक तो अतरीय ब्रह्मनास और कौस्तुकी ब्रह्मनास, ये दो ब्रह्मनास आपको याद रखने। इसके अलावा कुछ क्या है? देखो वेद एक डेवलपमेंट, देखो वेद से बने अरंक्यास, अरंक्यास से ब्रह्मनास, ब्रह्मनास के बाद उपनिषद, ये एक डेवलपमेंट है, ठीक है। अब कुछ और उपनिषद ही एक ऐसी टेक्स्ट है जिसमें बलि प्रथा का बुराई की गई है, बलि प्रथा को बुरा बोला गया, याद रखना। अब और बाकी सारे वेद ब्रह्मनास काय में लिखे हैं? टिपिकल संस्कृत में लिखे हैं, और उपनिषद लिखे क्लासिकल संस्कृत में, है ना, ध्यान रखना। अब उपनिषद के बारे में हम पढ़ लेते एक पेज में कि उपनिषद क्या के कैसे थे। उपनिषद के बाद देखो, उपनिषद की पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अरंक्यास, अरंक्यास क्या है? एक फॉरेस्ट बुक है, ठीक है,
और जो कि ऋषि अरंक्या के द्वारा लिखी गई है। तो एक सबसे पहला है अतरिया उपनिषद। अतरिया उपनिषद में क्या गिवेन है? आत्मा का कंसर्न गिवेन है ना, आत्मा का कंसर्न गिवेन है कि आत्मा का कंसर्न कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऋग्वेद उपनिषद जो है छंदोगया है, छंदोगया उपनिषद है। इसमें किस बारे में बताया गया है? याद रखना, चाइल्ड ऑफ कृष्णा, चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा के बारे में बताया गया है, चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा के बारे में बताया गया है। और जल्दी जल्दी याद करो, खुद को रिकॉल करो। ये किससे डील करता है? डील विद द रिदम एंड चेंटिंग ऑफ मंत्रास, ठीक है, ध्यान रखना, इसे मत भूलना। छंदोग्य उपनिषद में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब एक है कथा उपनिषद, है ना, एक है कथा उपनिषद। यहाँ क्या दिया है? नचिकेतन और यमा की डायलॉग्स दिए गए, बात दी गई है। किसके बारे में? नचिकेतन एंड यमा के बीच के बात दी गई है। किस पे बात हो रही है? आत्मा मैन, है ना, आत्मा मैन नो नॉलेज और मोक्ष, इस चीज के बारे में इनकी बात हो रही है। तो आप ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। अब आ जाओ बृहद अरंक्या, बृहद अरंक्या उपनिषद, बृहद अरंक्या उपनिषद, ये आपको याद रखना है। बृहद अरंक्या उपनिषद को ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मा की बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? ट्रांस माइग्रेशन ऑफ आत्मा पे बात चल रही है इस पे, ठीक है। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ आत्मा एंड नेचर ऑफ आत्मा, याद रखना, नेचर ऑफ आत्मा, जिसे आप इंग्लिश में सोल भी कहते हो, ठीक है। और मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद, इसमें दिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि हमने हमारे नेशनल मोनो में भी लिख रखा है। और लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर है मुंडका उपनिषद। अब कुछ एपिक्स भी है हमारी, कुछ एपिक्स भी है, जैसे कि महा भारत और रामायण, ठीक है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी को पता है, वाल्मीकि जी के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा, और सॉरी, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण, और महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास जी द्वारा, वेद व्यास जी द्वारा। कई लोग कहते हैं कि लिखी नहीं गई, बोली गई, पर हम हमारे पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। अब यहां से चीजें और सही होगी, जो कि आपको पता चलेगा। सप्त सेवन रिवर्स ऐसा कहा जाता है, नहीं, ऐसा बोला जाता था कि सेवन रिवर्स में रहते थे आर्यंस। आर्यंस आए कहाँ से है? आर्यंस जो आए हैं, याद रखिएगा, वो आए हैं कहाँ से? सदर्न रशिया के ओर से, अपर पार्ट से, है ना, वहां से नीचे धीरे धीरे माइग्रेट हुए। जब ये ईरान में है तो इनको इंडो ईरानी करके जाना जा रहा है, और जब जैसे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होते हैं तो इनको जाने जा रहा है किस नाम से? आर्यंस नाम से, है ना, इसमें गलती मत करिएगा। दो चीज हो गई, तीसरी चीज हो गई, कुछ हमें ईरान इराक सीरिया की भी हमें कुछ डाटा मिला है, ठीक है, जो कि रिजल्ट करता है कि ये लोग कनेक्टेड थे, ठीक है। तो अब यहाँ से चीजें क्लियर हो गई। सेवन रिवर्स, तो सेवन रिवर्स के नाम लिख लो, क्रोनोलॉजी में आ जाते। पहली रिवर कौन सी है? सिंधु है। सिंधु का आज करंट नेम क्या है? इंडस है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है? विस्थस, तो इसका क्या करेक्ट नाम है? झेलम नाम है, ठीक है। और अब क्या है? अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी का क्या है? चेनाब है, ठीक है, यहां गलती मत करना। परसिनी, परसिनी, परसिनी का क्या नाम है? रवि, ठीक है, ये नाम याद रख लेना क्योंकि ये पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी है। विस्पा, विसापा, अब विसापा का क्या नाम है? व्यास, ठीक है। और सूतधारी, सूताधरी, सूताधरी का आज करंट नेम क्या है? सतलुज, सतलुज। और लास्ट वाली कौन सी हमारी? नदी तरन, नदी
तरन, तो इस ये कौन है, सरस्वती। इन सात रिवर का नाम है। अब यहां गलती मत करना, ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलो नेक्स्ट की ओर, ठीक है। पॉलिटिकल किंगडम कैसी है इनकी, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, ट्राइबल है मोस्टली, ये मत भूलना, ट्राइबल है, ठीक है। किंग किंग जो है, किंग के अंदर क्या क्वालिटीज देखी जा रही है, एक तो इंदिरा की देखी जा रही है, वरुणा की देखी जा रही है, और मित्रा मैत्रा की देखी जा रही है। इंद्र की तरह कैसा होना चाहिए, उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है, वैल्यूज होनी चाहिए। वरुण की तरह क्या होना चाहिए, उसका वर्च्यूज होना चाहिए, और मित्री की तरह काइंडनेस होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई यहां से। अब एक चीज याद रखें, ग्रामिणी जो है विलेज हेडमैन है। कई बार आपसे पूछा गया है लेटर वैदिक ऋग्वेद में कौन है, तो ग्रामिणी इज विलेज विलेज हेडमैन है। इसका जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। अब आर्मी की बात आ जाए, जैसे कि एनडीए सीडीएस में आर्मी का है, तो स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं थी, पर हाँ मेंटेन की जाती थी आर्मी। एक तो इन्फेंट्री हुआ करती थी, और एक रत्नीज हुआ करते थे, चैरियट और इन्फेंट्री पैदल सैनिक, ठीक है। यहाँ तक मत भूलना। एक वज्रपति करके ऑफिसर भी था, वज्रपति, जो कि सारे पेस्चुरी लैंड, हरे घास वाले जो लैंड है उसका ओनर हुआ करता था। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है, अभी तो ये फैक्ट है, तो आप याद रख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए अलग से हम क्लास लेंगे, ठीक है। अब यहां से आगे आ जाओ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देख लो, जो कि आपको हमेशा अपनी बुक में या कॉपी में लिखे रहना चाहिए, जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले कुल होते थे, कुल के हेड कौन, फादर होते थे। कुल के बाद क्या आएगा, ग्राम आएगा, ग्राम के बाद आएगा विश, विश के बाद आएगा जन, जन के बाद आएगा जनपद, ठीक है, और जनपद के बाद आएगा एम्पायर। ये इंडिया का ही डेवलपमेंट है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कुल का हेड जो है वो फादर है, आप सभी को पता है। ग्राम का हेड कौन है, आईजी बताया था, अभी बताया है, ग्रामिणी है। विश का हेड है विशपति, जन का हेड है गोपा, ठीक है, और जनपद का हेड है राजन, ठीक है, या किंग, ठीक है, और एम्पायर बाद में बनेगा, अभी तो हमें इतना पढ़ना है। कुल, ग्राम, विश, जन, जनपद, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। अब उस समय कुछ पॉपुलर असेंबलीज भी हुआ करती थी। पॉपुलर असेंबलीज कौन सी होती थी, एक तो होती थी विधत, एक होती थी सभा, एक होती थी समिति, ये तीन होती थी। विधत क्या है, जनता असेंबली है, क्या है, जनता असेंबली है, इसको मत भूलना, जनता असेंबली है, विलेज लेवल पे काम करती थी, लॉ रूल्स इकोनॉमी ये सब चीजें देखा करती थी। क्या जो है इको सोशल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रही है विलेज लेवल पे, विदत देख रही है। सभा क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है किंग को, क्या कर रही है, एडवाइस किंग एंड मेक लॉ। सभा का हेड कौन है, सभापति है, ठीक है, याद रखना। अब समिति पे आ जाओ, समिति का जो हेड है वो पति रहेगा, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, टू इलेक्ट किंग एंड पति, ठीक है, टू इलेक्ट किंग एंड हेल्प किंग, ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर यहां से पॉपुलर असेंबली में, ठीक है। अब आ जाओ यहां से, पॉलिटिकल पार्टी खत्म है, इसका हेड पति हो गया, सभापति हो गया, ठीक है। अब सोसाइटी का डिवाइडेशन क्या था, सोसाइटी का डिवाइडेशन जो था वो आर्या में था और दासा में था। आर्या कौन थे, फेयर इन कलर थे, और दासा कौन है, ब्लैक इन कलर है। स्पेशली कलर्स के नाम पे सोसाइटी डिवाइडेड है, इसमें नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, इसके बाद जो है वुमेन सेजेस के नाम रख लो, वुमेन सेज अल्पा है ना, ये वुमेन सेजेस है, अल्पा, जैसे अल्पा घोषा गार्गी, घोषा गार्गी ये हो गया, और जल्दी सोचो स्पीड में, अल्पा घोषा गार्गी, साथ साथ लोपा मुद्रा, ठीक है, ये कुछ क्या है सेजेस उस समय की, लोपा मुद्रा, इनके नाम याद रखना, पूछ लिए जाते कौन नहीं था। अब आ जाओ, उस समय चाइल्ड मैरिज नहीं थी, क्या नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब आ जाओ क्लोथिंग्स पे आ जाओ, सारी चीजें खत्म कर देगा। क्लोथिंग पे क्या था, नेवी, वासा,
आदिवासा, ठीक है, ये चीज हो गई नीवीवासा, आदिवासा। नीवी क्या है? अंडरगारमेंट है, याद रखना, अंडरगारमेंट है, ठीक है। वासा क्या है? अपर गारमेंट है। वासा क्या है? अपर गारमेंट है, ऊपर पहनने वाला ड्रेस है। और ये क्या है? लोअर गारमेंट है, धोती टाइप रहता था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। लिकर ली जाती थी, लिकर को क्या बोला जाता था? सोमरस बोला जाता था। और ये आई फेड्रा प्लांट से बनती थी। लिकर को क्या बोला जा रहा है? सोमरस बोला जा रहा है। ये कैसे बन रहा है? आई फेड्रल फेड्रा प्लांट से बन रहा है, ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। अब आ जाओ और आगे, फूड, फूड पे डिपेंड। फूड क्या था? एग्रीकल्चर। पहले तो देखो डिपेंडेंसी इनकी सबसे पहले एग्रीकल्चर पे नहीं थी, जानवरों पे थी। ये पेस्चुरी थे, जानवर ही थे। और जानवरों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था? गाय था, गौधन था, क्योंकि उसमें से मिल्क कर्ड और घी मिल रहा था, जो कि सेक्रीफाइसेस में यूज हो रहा हो, इसमें कोई गलती मत करना, ठीक है। और प्लॉगिंग लैंड को क्या बोला जा रहा है? उर्वरा और क्षेत्रा बोला जा रहा है, इसमें क्लियर रहना। एजुकेशन, एजुकेशन कैसे थी पहले? एजुकेशन जो थी वो थी ओरली, थी ओरली थी एजुकेशन। उसके साथ साथ क्या था? एथिक्स सिखाई जा रही थी। क्या 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 पढ़ाया जा रहा था? एथिक्स पढ़ाई जा रही थी। आर्ट ऑफ वॉरफेयर सिखाए जा रहे थे, याद रखना, आर्ट ऑफ वॉरफेयर सिखाए जा रहे थे। एथिक्स सिखाई जा रही थी, आर्ट ऑफ वॉरफेयर सिखा रहे थे। आर्ट ऑफ मेंटल कॉन्सिक्वेंसनेस सिखाई जा रही थी। मेटल, सॉरी, आर्ट ऑफ मेटल, सॉरी सॉरी, आर्ट ऑफ मेटल, ये भी नॉलेज दी जा रही थी, ठीक है। और साथ साथ ब्राह्मण और फिलोसफी, फिलोसफी कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेदा एंड ब्राह्मणाज, ये भी सिखाए जा रहे थे उस समय, ठीक है। सारी चीज़ें ओरेली थी, अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं हुई है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? पेस्चुरी पे थी, एग्रीकल्चर सेकेंडरी थी, ठीक है। क्राफ्ट में सारी चीज़ें थी। इनकी पोट्री लिख लो भाई, जो ना छूटा है इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो थी ग्रेवियर, ग्रेवियर करके पॉटरी थी इनकी, ठीक है। मोस्ट वैल्यूबल क्या थी यूनिट? वो थी काउ थी, ठीक है। यहाँ तक मत गलती करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ ट्रेड एंड कॉमर्स पे। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था इनका? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में बाटर सिस्टम कर रहे थे ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा काउ यूनिट के वैल्यू में गिनी जा रही थी। काउ ऑफ मोस्ट वैल्यूबल, मतलब किसी के पास एक काऊ है तो वो 100 बैल ले लेगा, ये चीज हो गई। दूसरी क्या हो गई? पीस ऑफ गोल्ड हो गए, पीस ऑफ गोल्ड, निस्का, क्या नाम था पीस ऑफ गोल्ड का जो बाद में यूज हुआ? निस्का। यहां तक चीजें क्लियर है। अब ट्रांसपोर्टेशन में पानी जो था, पानी जो था, एक ऑफिसर हुआ करता था इस समय, जो ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट किया करता था, ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट किया करता था, ठीक है। अब आ जाओ और आगे थोड़े से, तो आप रिलीजन पे आ जाते हैं हम सीधा, क्योंकि ज़्यादा कुछ बता नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में सेफ ट्रांसपोर्ट और बोट ट्रांसपोर्ट दोनों यूज हो रहा है। रिलीजन में पृथ्वी को तो क्या बोला जा रहा है? आप लिखते जाना, गॉड ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। पृथ्वी को क्या बोला जाए? गॉड ऑफ ग्रेन्स। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, ठीक है। वायु, गॉड ऑफ विंड, वायु गॉड ऑफ विंड हो गया, ठीक है। वरुणा, रेन ऑफ गॉड ऑफ ट्रुथ, वरुणा को क्या है? गॉड ऑफ रेन भी बोला जा रहा है, गॉड ऑफ ट्रुथ भी बोला जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। मारुत क्या है? गॉड ऑफ स्टॉर्म है, जो ला रहा है, ठीक है। विष्णु, विष्णु भी लिख लो आप, गॉड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीनों दुनिया के। सूर्य, सूर्या को क्या बोला गया है? डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस, ये चीज याद रखना। गॉड ऑफ इंद्र, पुरंदर, ठीक है। इंद्र कौन है? पुरंदर है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स है, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। यहां से सारी चीजें हो गई। सोम क्या है? सोम है जो, वो गॉड का प्लांट है। सोम कंसिडर एज प्लांट ऑफ गॉड, प्लांट ऑफ गॉड, ठीक है, ये हो गया। दूसरा फीमेल डिवाइटी कौन है? फीमेल गॉड कौन कौन है, याद रखना, अदिति और उषा, ठीक है। सेक्रीफाइसेस हो रहा है, सेक्रीफाइसेस यज्ञ के तौर पे हो रहा है। यज्ञ किसके लिए किया? यज्ञ में क्या यूज हो रहा है? घी और ग्रेन्स यूज हो रहा है। यज्ञ में जो इंटरमीडिएटरी है, चलो इसको आगे बताते हैं। इंटरमीडिएटरी है वो है अग्नि, ध्यान रखना। ऑफरिंग की जा रही है, मतलब यज्ञ वगैरह सेक्रीफाइस में ऑफरिंग की जा रही है। अब बलि भी दी जा रही है, ऐसा नहीं है, ऑफरिंग की जा रही है, जो कि लेटर वैदिक में बढ़ेगी। तो क्या क्या यूज हो रहा है? घी, मिल्क और ग्रेन्स, ठीक है। किसके लिए, किसको दी जा रही है ऑफरिंग? इंदिरा को दी जा रही है।
इंटरमीडिएटर का काम कौन कर रहा है, इंटरमीडिएटर का तो वो हो गई अग्नि, किस किस के बीच में, इंद्रा और वर्षेपर के बीच में, ठीक है याद रखना, ठीक है इंद्रा और वर्षेपर के बीच में, ये दी किसके लिए जा रही है, प्रजा पशु फूड वेल्थ, आज भी है प्रजा पशु फूड वेल्थ और हेल्थ, आज भी आप इसी के लिए पूजा करते हो, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ से सारी चीजें खत्म, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन से, इंद्रा है, सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड है जो है अग्नि है, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट स्टार करके मार कर रहा हूँ, प्रीस्टली क्लास नहीं हुआ करती थी इस समय, ठीक है, जो कि डेवलप्ड होगी अब लेटर वैदिक में। अब लेटर वैदिक हम कल करेंगे इसके आगे का लेक्चर, क्योंकि इतना आप देखिए इसके आगे का लेक्चर जो चालू होगा वो होगा लेटर वैदिक से 1000 इस ईयर से, फिर कल हम महाजनपद और मगध एम्पायर, बिम्बिसार, हरंक्या कुल का कल लेंगे, फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे हमारे मॉरियंस में, इन सब में जो कि कल एक लेक्चर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कनेक्टेड रहे, आज हमने इंडस वैली पढ़ लिया, प्रीस्ट भी पढ़ लिया, ऋग्वेद अच्छे से पढ़ लिया, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, लेटर वैदिक हम कल चालू करेंगे जिसमें लेटर वैदिक 16 बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधे ऋग्वेद और लेटर वैदिक के बाद बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद पढ़ेंगे हम महाजनपद, महाजनपद के बाद मौर्य जो कि कल के लेक्चर में होगा। चलिए जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, अपना ध्यान रखे रहे और जुड़े रहे हमारे हमसे अंत तक, ऐसी सीरीज और भी कंटिन्यू की जाएगी, जय हिंद, और टेस्ट सीरीज देते रहे, जय हिंद ऑफिसर्स।